सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या बोल दी पब्लिक, और कैसे है आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। ये क्या चीज है भाई? वाह भाई वाह, खुले में ट्रांसमीटर भाई लगा रहे हैं भाई। बताओ भाई, ये ट्रांसमीटर ये है क्या चीज? वो तेल ओमेगा बीकन। वाओ, इससे क्या होता है ओमेगा बीकन से भाई? सैक्रीफाइस सोल टू लोअर द एनिमीज दैट कैन बी इधर किल्ड और टेम्ड। ऑल समॉट एनिमीज विल बी हॉसाइल, मोर सोल इंक्रीज। ओ भाई, ये कुछ तो खतरनाक सी चीज़ लगाई, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, ये टाइप ऑफ गैम्बलर कौन है भाई? ये बंदा जरा मेरे को मैसेज करोगे भाई, तुम ये जो भी चीज़ें लगा रहे हो, ये बॉस भी स्पॉन करने वाले हो, दूसरों के घरों के सामने काहे लगा रहे हो भाई? तुमको बैन मांगता है क्या? चाहिए तो बता दो, मैं दे देता हूँ भाई वापस। अगर ऐसी कोई चीज़ दिखी तो तुमको भाई बैन मिल जाएगा, गैम्बलर ट्राइब ऑफ गैम्बलर जो भी हो उसके ट्राइब में ब्रो, याद रखना ये बात भाई। दूसरों के यहाँ पे घर है, इसने ना शील्ड लगा रखी है भाई, ठीक है। हाँ, इसने शील्ड लगा रखी है वो अलग बात है। ये वही बंदा है जिसका मैंने सुबह का इस घर उड़ाया था भाई, ठीक है। ये जो ना इस एनिमीज को लूर करने वाले, मतलब एक तरह से स्पॉन करते हैं, इसी के यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, चांस टू मोर सोल द ऑल समॉन एनिमीज, मतलब कोई ना कोई जो ना कहीं चीज़ें यहाँ पे स्पॉन होगी गाइस, ठीक है। और अभी वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है चीज़ें वो गाइस हमको तो पता नहीं है ना भाई, वो सीन है भाई। बाकी तो अरे यार, इसको तोड़ नहीं सकता हूँ क्या भाई? इसको तोड़ना कैसे? अबे यार, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है क्या चीज़? डिस्ट्रॉय तो होगी, बट मेरे को भाई, मेरा इस दिन गन से नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है भाई, ये चीज़ मेरे गन से डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे को कुछ और करना, पिकअप। हाँ भाई, पिकअप कर लेता हूँ, चलो लेट्स गो। एडमिन पे था ना, तो मैंने पिकअप कर लिया डायरेक्टली। भाई क्या बोले यार बंदे को, ये बंदा जो है ना, लग रहा है मेरे को भाई एक दो दिन में अपने सर्वर से बैन होने वाला है। इसको सुबह वाले वीडियो में वार्निंग मिली थी, वैसे वो वीडियो अपलोड नहीं हुई, अलग बात है। मैंने इसका बेस यहाँ पे उड़ाया था, और वो भाई दूसरों के घर के साइड में डायरेक्टली भाई ये समॉन करने वाली कोई चीज़ें लगा रहा है भाई। इससे तो उनको दिक्कत हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा भाई। कोई खतरनाक सी चीज़ स्पॉन हो गई तो बंदे के बेचारे के डायनो मर जाएंगे यार। इसलिए तो भाई हम लोग भाई काफ़ी ज़्यादा दूर दूर लगाते हैं यार अपने, क्या बॉस फाइट टर्मिनल हो तो भाई दूसरों के घर के सामने लगा रहे हैं। पता नहीं भाई, देखते एक और बार करा तो उसका जो है ना डायरेक्टली आईपी बैन दे दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चले भाई लोग, क्या बोलती पब्लिक, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका डू और डाई के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे टेरा नोवा को बेलम बाल दिया था, फिर उसके बाद ओहो ब्रूड वाला गाइस ब्रांड है यहाँ पे ना, ये डिप्लो डोको से ब्रूड वाला भाई, ठीक है। और मैंने डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो जो है कर लिया है, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं वाइल्ड डायनो डिस्ट्रॉय करूंगा, तो मैंने डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो कर लिया है। और अभी जो ना गाइस अपन लोग देखने वाले कि जो ग्रिफिन विग्विन जो है ना गाइस, जो ओपी ओपी वाले डायनोस होते हैं वो यहाँ पे स्पॉन हुए कि नहीं, अगर हुए होंगे तो उनको जाके टेम करने का काम आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई करने वाला है। बाकी गाइस आज का जो एपिसोड है, वाह फोकड़ में दगदग हो गया भाई, चलो हीलिंग पोशन खा लेता हूँ। तो गाइस बाकी आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो नए बंदे हो गए चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे प्यारे प्यारे से गेमिंग विद्यानी के चैनल का, जहाँ पे मेरे आर्क हंड्रेड की जो है ना गाइस एक ओपीसी सीरीज चालू है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगा। वाह क्या फॉल डैमेज पड़ा है भाई तेरे भाई को, क्या ही फॉल डैमेज पड़ा है, एकदम खतरनाक वाला भाई। लेट्स गो भाई, ये कौन है भाई बंदा, कौन है भाई हमको यहाँ पे भाई दर्शन देने के लिए भाई, शिवम। अच्छा भाई चलो, तो गाइस आपको एक और जो है ना गाइस नीचे लिंक मिल जाएगा गाइस हमारे प्यारे प्यारे से ब्लॉगिंग चैनल का, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी जो है ना गाइस आपको यहाँ पे जो है ना गाइस सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन हमारा अनलॉक हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, सपोर्ट दिखाना चाहते हो, तो नीचे थैंक्स का बटन है गाइस, उसको क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को। और गाइस यहाँ पे जो भी सपोर्ट करेगा उनको हर एक वीडियो में जो है ना गाइस आपको शाउट आउट मिलेगा, तो अगर आप कर सकते हो तो जरूर से सपोर्ट कर देना, उससे हमको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चले प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जाके देख लेता हूँ कौन कौन से डायनोज यहाँ पे स्पॉन हुए हैं गाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, बाकी तो भाई मैंने डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो अभी 10-15 मिनट पहले ही करा है। मैं भाई इस सर्वर से बाहर निकलने से पहले डिस्ट्रॉय वाइल्ड डायनो करना भूल गया था। सो अल्फा रैप्टर है भाई, और क्या है बाकी मैक्सिमम। हाँ भाई, मैक्सिमम डायनोज अभी तक जैसे मैंने सोचा था स्पॉन ही नहीं हुए हैं, ठीक है। एलिमेंटल वाले स्पॉन हुए कि नहीं भाई? हाँ, एलिमेंटल वाले भी हो रहे स्पॉन। एंड बाकी भाई क्या बोलते हैं वो दूसरा वाला, क्या कौन सा वाला मॉड है यार इसमें? वुड वाले स्पॉन हो रहे, वुड वाले नहीं हो रहे क्या? वुड ही होता है ना वो, पता नहीं गाइस। वुड वाला तो मेरे को एक डिप्लो दिखा था, तो हो रहे गाइस आई थिंक। रुक जाओ, अपना ग्रिफिन कौन कौन से हुए बताओ। एलिमेंटल पॉइजन ग्रिफिन और फायर ग्रिज्बी ब्लेयर लाइटनिंग और पॉइजन, बाकी और कोई ग्रिफिन नहीं हुआ है। माना हुआ क्या अपना प्राइम? बाप रे,
ये कहाँ पे 3384 आप भी चलता भाई भाई, ये तो मेरे को चाहिए बड़ी, मेरे को मिलता नहीं जब तक मैं वहां पे पहुंचूंगा, मेरे को लग रहा है कोई ना कोई भाई पकड़ लेगा यार भाई। इंट्रो मारने से पहले मेरे को देखना चाहिए था भाई यहाँ पे पिंकी, पिंकी किधर है मेरी पिंकी, अरे पिंकी, अरे पिंकी कहाँ पे अब यार, पिंकी कहाँ पे पिंकी भाई, पिंकी 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 पापा का परा है भाई, पापा के परा को वहाँ पे बुलाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। लाइटनिंग मकवीन नहीं जा, अरे पिंकी कहाँ पे गई मेरी, एक मिनट जब पिंकी को भी छूट गया क्या, अरे यार ग्रिफिन डालने पे आ रहा है भाई। अच्छा रेड, अच्छा रेड फ्यूरी था, पिंक फ्यूरी नहीं था, मुझे लगा पिंक फ्यूरी है क्या भाई, ये रेड फ्यूरी है भाई। चलो गाइस ये रेडवुड में कहीं पे है भाई, ठीक है लोकेशन मैंने ले ली है, और इस माना को तो गाइस आज अपन भाई टेम करके रहेंगे भाई, ये माना खाली मेरा ही है भाई, मेरे को किसी भी कीमत पे चाहिए। ग्रिफिन इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि ग्रिफिन से जो ना गाइस मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा गाइस, ठीक है एकदम एकदम फुल स्पीड में भाई, जल्दी जल्दी कार, इससे पहले कोई और बंदा भाई उसको पकड़े भाई, तेरा भाई पकड़ लेगा। बाकी लोकेशन क्या बताओ भाई, 3384 ये पे क्या कहीं पे पता नहीं, मैप अभी तक लोड नहीं हुआ, रुक जाओ मैप लोड होने तो उसके बाद ही पता चलेगा। 84 पे उड़ रहा हूँ 30, अरे भाई यही पे कहीं पे नहीं, लेकिन थोड़ा आगे जाना पड़ेगा ना लग रहा है 84 ना, 84 किधर है 80, ओ ओ ओ भाई, ओ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, जमीन पे बैठा है, जमीन पे बैठा है, जमीन पे नहीं बैठा, जमीन पे नहीं बैठा, उसको मारू कैसे मैं, नॉकआउट कैसे कर लूंगा, नागिन काम नहीं करेगा ना इसके ऊपर, नागिन काम करेगी वैसा कोई सीन नहीं, बट ये उड़ रहा है ना यार आसमान में, सो नागिन जो ना उतना अच्छे से काम नहीं करेगी। बाकी जमीन पे आ चुका ही है, अगर जमीन पे आया तो मैं भाई इसको भाई डस सकता हूँ, डस सकता हूँ भाई यार, कमोन कमोन कमोन, हाँ फ्रीज कर ले, कुछ करना है कर ले भाई, लेकिन नजदीक आ भाई नजदीक, भाई साहब फायर स्टॉर्म भाई मेघ लड़ोन भाई, म्यूटियर शावर कर दिया तेरे भाई के ऊपर भाई, इसकी कहाँ से फ्रीज कर रहा है लूंडा, दिख नहीं रहा, फ्रीज करे जा रहा है, करे जा रहा है भाई, दिख जा भाई लौंडे, जमीन पे उतर जा यार, जमीन पे उतर जा, जमीन पे उतर जा, इधर आ जमीन पे उतर, नीचे उतर भाई, तेरा खत्म नहीं होता क्या भाई, क्या तेरा खत्म नहीं होता चार्जिंग बैटरी, अबे नीचे आना जमीन पे उतर ले भाई लौंडे, कहाँ पे गया पता नहीं, कहाँ पे गया यार, ये माना चाहिए यार हमको किसी भी कीमत पे, ये माना हमको, हाँ ये रहा, ये जमीन पे उतरा है यार, रुक रुक, दे दिया डस दिया मैंने इसको, डस दिया डस दिया, अबे डस तो दिया लेकिन कहाँ पे गया, अबे यार आ, 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 अरे बेहोश भी हो गया लोटा भाई, ये पीछा कर रहा है उसका, ये छोड़ दे ये मेरा वो भाई, ये पीछा, अबे कहाँ पे अटक रहा हूँ मैं भाई, जल्दी चलना, मरने के बाद चलेगा क्या भाई, उसके पीटी बनने के बाद एक लोटा उसका पीछा कर रहा है, ये वहाँ उसका पीछा कर रहा था, ले बेटा चल तू भी बेहोश हो जा, वाह इसके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा मेरा, ठीक है भाई छोड़ दो पहाड़ में जाइए, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, मेरे को खाली ये चाहिए भाई, इसके लिए मेरे को प्राइम, अरे यार ब्लू वाला मिट तो मैं घर पे डाल के आया हूँ, रुक जा भाई तेरे ब्लू वाला मिट लेके आता हूँ। गाइस माना फाइनली गाइस सबको मिल चुका है, मैं तो इसका सैडल भी घर से लेके आऊंगा भाई, लेट्स गो प्राइम वाला माना भाई, सबको ना अभी देखना कैसा फ्रीज करेगा तेरा भाई, ठीक है सबको एकदम एकदम बर्फ का भाई बना डालूंगा मैं। बाकी अभी शील्ड ना चालू रहने दो क्योंकि काफी खतरनाक वाले बॉसेस स्पॉन हो सकते हैं, डायनो वाइप हुआ है तो उनको बताने गए कि कहाँ पे स्पॉन हो रहा है, तो अपने बेस बेस के ऊपर स्पॉन हो गया दिक्कत हो जाएगी भाई। तो बाकी माना माना यार माना नहीं क्या डायरेक्ट राइड है क्या, एक मिनट रुक जाओ, माना नहीं तो एक काम कर ले वाइवरन का सैडल बना ले भाई, वाइवरन का सैडल बना लेता भाई, ये वाइवरन सैडल है क्या, असेंडेड, मैंने असेंडेड वाला बीपी बनाया था ना, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं इसको बॉस फाइट में यूज करूंगा मैं, अगर इसका डैमेज तगड़ा वाला गया ना कि जिस माना का, तो मैं इसको बॉस फाइट में जरूर से यूज करना चाहूंगा भाई, ठीक है। बाकी अभी तक आपको बताया होगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी जो ना कि खतरनाक एंड पावरफुल सा डायनो जो ना कि वो आ नहीं पाया है भाई, ठीक है अपने उसको डायनो ही नहीं कहा इस खतरनाक वाला, ठीक है एकदम सारे नल्ले नल्ले डायनोज ही है, किसी का भी डैमेज ना भाई 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन छोड़ो भाई 8 मिलियन से ज्यादा किसी का भी डैमेज नहीं जा रहा। सो मेरे को भाई पावरफुल वाले डायनोज जो ना जो टेम करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा जल्दी, अगर मैं बॉसेस को पेलना चाहता हूँ तो। बाकी टीपी कहाँ से मारो, अभी यही से मार लेता हूँ, कोई नहीं आ रहा ना साथ में, नहीं आ रहा है, चलो लेट्स गो, मजा आएगा ना बिडू प्राइम वाला माना। बाकी गाइस ग्रिफिन मेरे को चाहिए था, बट ग्रिफिन अभी तक स्पॉन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी माना के ऊपर आई थिंक मैं डायरेक्ट राइड मार सकता हूँ क्या, हाँ डायरेक्ट राइड है। बाकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर वाइब्रेंट का सैडल डाल देता हूँ जो कि इसको फीड हो जाएगा। बाकी इसके 100 200 बाप रे 300 400 500, अरे बेड़े 500 मिलियन है, 500 मिलियन है भाई, मेरे को तो भाई पता चल रहा है गाइस 500 मिलियन मिलते हैं भाई साहब। गाइस ये माना ना कोई आम नहीं है भाई, ठीक है आम माना नहीं है ये, 511, वेल डन ड्यूड वेल डन। बाकी डैमेज कितना जाएगा भाई इसका,
गाइस ये मारना काफी ओपी होने वाला है। चल 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 जे बाद ऐसे उड़ते रहना भाई, उड़ते रहना है आसमान की ऊंचाइयों पे। अरे क्या हुआ, हाँ जी क्या हुआ, हाँ जी पट्ट से हवाई डिजिक हाँ हवाई बोले तो बुलडू तो भाई ना मेरे भाई। गाइस ये तो ओपी भाई, ये तो ओपी भाई। गाइस मारा मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। बाकी मैं इसका डैमेज जो है चेकआउट करना चाहता हूँ कितना जा रहा है गाइस। ठीक है भाई, इससे शायद मैं भाई किसी बॉसेस को ना भाई बड़े आराम से मिल सकता हूँ। क्या वहाँ भाई डैमेज क्यों नहीं दे पा रहा, मैं डैमेज क्यों बढ़ रहा मेरे को, ये कोई आम मेगलाडॉन नहीं है, अर्थ मेगलाडॉन पॉइजन फेंक रहे मुझे भाई। यार भाई मेगलाडॉन अपने मुंह से पॉइजन के बॉल फेंक रहे, निकल ले भाई। अर्थ वाले डैमेज का सुपर पावर है क्या, शायद होती है। ओमेगा खेले हुए काफी टाइम निकल गया तो मेरे को याद नहीं उतना ज्यादा भाई। अरे पॉटी यहाँ पे नहीं करना, पॉटी उधर कर लेना भाई। ये दूसरे मैप में ये देखो भाई भाई ये देख रहे हो भाई, मेगलाडॉन्स भी काफी पावरफुल वाले बन चुके हैं अभी तो गाइस। ठीक है इतना तो अपन को पता चल चुका है। बाकी जो ना गाइस मैं इसका भाई पावर देखता हूँ पहले, कौन कौन सा अटैक है। बाइट अटैक, ये वाला अटैक हाँ ठीक है। बाकी ये वाला अटैक और कोई नहीं अटैक ना, और कोई नहीं है। मेरे को तो इसका फ्रीज वाला अटैक चेक करना है भाई। भाई रुक जाओ, मेरे को डायनो खाली दिखने दो भाई, मेरे को खाली डायनोस दिखने दो भाई। डबल नहीं मार सकता क्या, बूस्ट डबल बूस्ट नहीं मार सकता ना गाइस, डबल बूस्ट नहीं डाल सकता। ऑलराइट ऑलराइट ठीक है, चलो गाइस लेट्स गो। मैं इसके तो मैक्स लेवल करके जो ना गाइस इसका पावर चेकआउट करना चाहता हूँ। रुक 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 रुक, फ्रीज नहीं करा है तो मरी गया भाई, ये तो मरी गया भाई डायरेक्टली। 3,000 का गाइस ये दे रहा है खाली अभी फिलहाल के लिए डैमेज, मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा डैमेज जाएगा इसका। हाँ 1,000,000 जाएगा शायद, 1,000,000 शायद चला जाएगा मेरे को लग रहा है गाइस। ठीक है देखते चलो, देखते अभी कितना डैमेज जाता है इसका। चल बेटा ओ भाई ले बेटा खतरनाक। ओ भाई लेट्स गो ना मेरे बाजी, लेट्स गो ना मेरे बाजी। ओ भाई वन कमॉन वंस मोर ओ चलो भाई चलो, बहुत हो गया। गाइस अभी माना जो ना कि अगर इसका डैमेज उतना तगड़ा वाला नहीं गया ना, थोड़ा सा तो दुख होगा मेरे को, बट मेरे को लग रहा है कि इसका 2-3 मिलियन तो डैमेज जाएगा। हाँ मेरे को जो ना गाइस जल्दी से जल्दी इतना ज़्यादा डैमेज देने वाला डायनो ढूंढना है कि मैं सबकी बैट बजा सकूँ, लाइक वो बीकन ओवरलॉर्ड ग्रिफिन था ना उसकी तरह। कितना डैमेज है, 1.1 कौन है, पिग्मी डिप्लोडोकस बिटवा उई बिटवा, एक मिनट रुक जाओ यार, उई बिटवा क्या हो बिटवा, मारेगा इसमें भी मारेगा भाई, साइज छोटी हो गई है लेकिन भाई उंगली करना नहीं बुला भाई लोंडा। रुक जाओ पिग्मी वाला डिप्लोडोकस मैंने कभी नहीं देखा यार ये, एक मिनट रुक जाओ, पिग्मी ब्रोंटो मर जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी इसको मैं नॉकआउट कर रहा हूँ गाइस अभी फिलहाल के लिए, ठीक है नॉकआउट तो हो जाएगा, बट ये टेम कैसे होगा। वेट अ मिनट, नॉकआउट तो कर लिया बट ये टेम होगा पिग्मी से। अब पिग्मी क्या चीज़ है, लेवल अप काउंटर से टेम होगा क्या, लेवल अप काउंटर से टेम होने लग गया डायनो तो भाई क्या ही बोले फिर, नहीं लेवल अप काउंटर से नहीं होगा भाई, तू टेम कैसे होगा भाई। अरे बता तो देता बेहोश होने से पहले कि टेम कैसे होगा भाई। मीट खा ले, ये खा ले बेरी भी खा ले। नहीं यार पिग्मी डायनो तो मिला है मेरे को भाई, तो मेरे को इसको भाई टेम करके ना कंधे पे लेके घूमना है गाइस। ठीक है बट ना ओ प्राइम मिथिकल किबल लगेंगे तो ठीक है, ये दूसरे मॉड वाले हैं गाइस, ये दूसरे मॉड वाले, और मैं इनको दूसरा सामान खिला रहा था गाइस। ठीक है प्राइम पिग्मी डिल प्राइम, एक मिनट रुक जाओ, हाँ प्राइम मिथिकल किबल लगेगा। ठीक है ये किबल वाले डायनोज है गाइस, ठीक है किबल वाले डायनोज है ठीक है, ऐसे टेम नहीं होंगे मेरे को, किबल चिबल इनको खिलाना पड़ेगा, ऐसे टेम नहीं होंगे। और किबल चिबल खिलाने के लिए मेरे को सोल्स बिल्स होना मेरे पास जरूरी है गाइस। ठीक है चलो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो अपने माना को बाहर निकाल के फुल टू भाई तबाही मचाऊंगा गाइस अभी। हाँ पहले मेरे को माना का डैमेज जो ना जो कितना जा रहा है वो चेकआउट करने दो, उसके बाद ना माना है तो सही भाई लेकिन उतना ओपी मेरे को लगा नहीं गाइस। ठीक है मैं जो ना गाइस रुक जाओ वो जो बीकन ओवरलॉड है ना गाइस वो कर लूँ क्या, मतलब वो मांग लूँ क्या, क्योंकि वो स्पॉन तो नहीं हो रहा सो मैं मांग लेता हूँ गाइस। यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे कौन बंदा है गए कोई तो बंदा एफके गया भाई, यहाँ पे एफके गया लुढ़क गया भाई। अच्छा ये तो भाई उसी का बंदा था भाई, कौन है एफके गया, ये कौन आया था भाई दूसरा वाला यहाँ पे बंदा। बॉस फाइट चल रही है क्या इन लोग की, लग तो रहा है इन लोग की बॉस फाइट चल रही है। ट्राइब ऑफ एड्रेस भाई, मैं भी बॉस फाइट करने के लिए आए थे क्या, ये पता नहीं गाइज। चलो गाइज
बाकी तो भाई मैं इसकी इंटरप्रिटेशन डिसेक्शन नहीं कर सकता, तो अपन भाई कुछ करेंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए, आगे चल दे। और भाई इसका डैमेज होने का जो चेकआउट कर लेते कितना जा रहा, अरे यार इसका उतना तगड़ा वाला डैमेज नहीं जा रहा भाई, ये देख रहा हूँ 1.9 मिलियन मात्र। हाँ बाकी फ्रीज किसी को भी कर सकता है, बॉस को छोड़ के, बॉस को फ्रीज नहीं कर पाएंगे अपन, ट्राई मार सकते भाई। रुको, अगर मेरे मैं अगर इस एनाकोंडा को फ्रीज कर पाया तो मजा आ जाएगा ना पहले। आ ये ब्रो एनाकोंडा मेरे बाबड़ी, क्या रहे मेरे बच्ची, कैसन वा, कितना सेकंड क्या ये बता नहीं कितना सेकंड तक फ्रीज कर सकते हैं अपन यार, ये अभी तक पता नहीं चला है बट फ्रीज कर सकते हैं अपन। ये बंदा गाइस मेरे को कुछ तो यहाँ पे डाल के दे रहा है भाई, ये क्या है भाई, और रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम भाई, थैंक्स भाई, रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम दे दिया भाई मेरे को, अच्छी बात है। चलो वैसे मेरे को मेरे पास काफ़ी सारे आ चुके हैं, ये इनकी अभी ज़रूरत तो थी नहीं भाई ना, 1.9 मिलियन से ज़्यादा नहीं जा रहा भाई, ठीक है इसका, ठीक है 1.9 मिलियन से ज़्यादा नहीं जा रहा। बाकी मैं फ्रीज किसी को भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम हो गाइस, बड़े आराम से फ्रीज कर सकता हूँ। ये लो भाई फ्रीज करने के साथ साथ मैं पेलम पाल भी दे सकता हूँ काफी सारे डायनोज को, बट ये बॉस किलर नहीं है गाइस, ठीक है। ओ हो हवा में बेल डाला भाई, गाइस हवा में मारते हैं उस भाई वाइब्रेंट को, भाई है कि नहीं तुम्हारा भाई उब्बे एकदम है बेच गया, हवा में मार देते भाई अपन वाइब्रेंट से, बच्चे अपने से बच्चे, बाकी पॉइजन वाले गोले में भाई, गोलेम तो अपन भाई टेम कर लिए पहले से, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें पावरफुल वाला कौन सा डायनो टेम करो। ओ मेरे को टेम एक मिनट रुक जाओ, मैं एक चीज कर सकता हूँ क्या भाई, ये क्या कर रहा है इसे, अरे ये क्या कर रहा है, नशे हो गए क्या इसको, मैं ना एक चीज करना चाहता हूँ यहाँ पे, बताए क्या, मैं एक पिग्मी बना सकता हूँ क्या, पिग्मी नहीं सॉरी क्या बोलते वो चुटकू लाल एक, ठीक है रुक जाओ मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे या फिर रोबोट वाला रेक जो है ना जिसका मेरे को टेमेबल अर्जेंट चाहिए, मेरे को बॉसेस को टेम करना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा, ऐसे जो ना कुछ होगा नहीं भाई। वेनिला बॉसेस इसमें नहीं यार, इसमें भाई रुक जाओ, इसमें अगर हम चलते ऑदर में सो टेरानोवा स्पॉन कर सकता हूँ, टेरानोवा से कुछ होगा नहीं, इवो कॉम्पी भाई ठीक है, कॉम्पी को इवॉल्व कर सकता हूँ ना गाइस, मैं कॉम्पी को इवॉल्व कर सकता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं इससे जो ना गाइस, कॉम्पी को मैं इवॉल्व कर लूँगा भाई ठीक है रुक जाओ, एंड बाकी टेरानोवा स्पॉन कर लूँ क्या, हाँ ये लोग यहीं पर बैठे हुए ना, रुक जाना गाइस, इसके ना अभी बैंड बजेगी गाइस इन लोग, क्या इन लोग की बैंड बजेगी ठीक है, मैं जो ना गाइस इधर डायनो के नज़दीक रहता। हाँ जी भाई क्या देना चाहते हैं मेरे को, मैं कच करके बैठ जाऊंगा गाइस जैसे टेरानो स्पॉन होगा, अरे सॉरी माँ क्या मैं तो पूरा बोल रहा था भाई यहाँ पे पब्लिक पे, इसको सुना ही नहीं दिया होगा लेकिन लग रहा है, रुक जाना भाई क्या चाहिए, रुकना बस इंतजार कर रहा हूँ स्पॉन होने का भाई, ये देखना अभी ये मरेगा कैसे गाइस, स्कैम देखना स्कैम देखना भग गया भाई, भग गया क्या, ये लो भाई ये लो रुको, अरे रुक जाओ भाई अब क्या कर रहे हो तुम, अरे मर गए क्या ब्रो बेच क्या, लेकिन मैंने क्यों उसको स्पॉट करा, मेरी भी तो बैट बजेगी, मैं कौन सा बचने वाला हूँ भाई साहब, भाई मेरे पास कौन सा डाइट, जिराफ नहीं है मेरे पास, अभी जिराफ को बुलाना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ यार मैंने अभी इसको स्पॉन करा तो उसको मारना भी पड़ेगा, दो अदर जिराफ, अभी यार अदर जिराफ तो मेरे पास ही है, अदर जिराफ कहाँ पे भैया, अदर जिराफ से इसको मारने में ना भाई चार जन्म लग जाएंगे भाई, डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ेगा उसके ऊपर अदर जिराफ का, ठीक है अदर जिराफ का डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बाकी लूंडे का पीटी भी मरा क्या, किसी का तो पीटी था भाई वहाँ पे, वो मर गया कैसे लग रहा है भाई, रुक जाओ मैं अदर जिराफ से इसको डोज नहीं दे पाऊंगा लग रहा है ना, चिप पाऊंगा क्या, ना नहीं भाई डैमेज तो पड़ नहीं रहा, व्हाट मेरे को मार दे चल जाएगा भाई, क्या पहले अभी जल्दी रिस्पॉन्स दे दे मेरे को, रिस्पॉन्स दे दे भाई, अदर जीरा आपको बचाना पड़ेगा यार भाई, सब मैं लेके गया और भाई मतलब जो मारा है ना भाई उसने, भाई जल्दी कर वहां पर कोई बंदा होगा तो अदर जीरा मेरा बच नहीं पाएगा, जल्दी बाहर में जा जल्दी, अबे यार हाँ अदर 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 ढूंढे भाई, बच गया क्या, कितना हेल्थ बचा है, इसकी तो जान निकल गई यार बेचारे की, ये तो जान निकल गई भाई, ओह इसकी हेल्थ थी भाई हेल्थ थी, लकीली वहाँ पे रेंडर में ना गाइस ज़्यादा कोई बंदे नहीं थे, सो मेरे भाई मरने के बाद वो वाला गेम जो ना वहीं पे पॉज हो गया और बच गया, और भाई 300 हिल चाहिए, 300 हिल भाई मेरे पास भाई 1000 हिल पड़े हुए भाई, अपने पास हिल पड़े, हिल की जरूरत अभी फिलहाल के लिए मेरे को है नहीं भाई, बाकी मैं मर चुका हूँ गाइस, मेरा जो गाइस माना है ना गाइस वो मेरे को उतना ओपी नहीं लगा, बाकी वो कॉम्पी यहाँ पे बना लेता हूँ मैं,
ये रहा अपना इवो कॉम्पी भाई, ठीक है। इसके अंदर खास कुछ नहीं डालना मेरे को, बस खाली प्राइम भी डाल देना है गाइज। उसके बाद जो है ना गाइज, जो भी करना है ये ऑटोमेटिकली कर लेगा, मेरे को खास कुछ करने की जरूरत नहीं ले भाई। बना ले भाई, ये क्या है, एवोल्यूशन फ्यूल कंज्यूमेबल एवरी 600 सेकंड डैन विल प्रोड्यूस द एवोल्यूशन फ्यूल। हाँ जी, तो ये मेरे को भी बताया भाई, मेरे को भी बताया। बाकी कितना चाहिए होगा, 3 इवोल्यूशन फ्यूल चाहिए होगा ना गाइज, ठीक है भाई। मतलब भाई अपन ये इवोल्यूशन अगर आज भाई करने के लिए लेते हैं ना, तो ये कंप्लीट होने में ना लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते में हमको काफी पावरफुल वाला डायनो मिलेगा, बट मैं 1 हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इंडोमेस रेंज बाई टेम कर लेता हूँ भाई, ठीक है। रुको, टेरानोवा भाई स्पॉन करने में ना मैंने काम का भाई अपने आर्टिफैक्ट वीडिफैक्ट और सारी चीजें वेस्ट कर ली यार। ची भाई, मेरे को नहीं करना चाहिए था, रुक जाओ। प्राइम इंडोमेस रेक्स नहीं है, प्राइम इंडोमेस इंडोमेस शार्क इंडोमेस अर्जेंटिवेस फायर इंडोमेस रेक्स है। फायर इंडोमेस रेक्स कौन सा वाला है, वो चुटकू वर्जन है क्या? इन्फर्नल कार्नो भाई, नहीं यार ये नहीं चाहिए। पावरफुल डायनो कौन होगा गाइस? अबे गीगा तो नहीं है ना, गीगा स्पॉन हो गया क्या? इटर्नल गीगान तो सोरस, ये क्या होता है, इटर्नल वाला गीगा है ना गाइज, उसका तो डैमेज उतना ज़्यादा नहीं जाएगा भाई। हाई डैमेज वाला कौन सा डायनो होता है भाई? यहाँ पे लोंडन ने तो भाई ग्रिफिन शिपिन टेम कर लिया, बट वो ग्रिफिन तो अभी स्पॉन ही नहीं हो रहे भाई। ओ वो 15 78 माँ की आँख, लिटरली भाई जल्दी चल, मैं पानी के ऊपर है, नॉकआउट कैसे करूंगा? जेलीफिश बाहर में जा, कोई भी चल जाएगी, प्राइम वाली चल जाएगी। 53 कितका पे, तू भी पानी के पानी के ऊपर क्या कर रही है? कहाँ पे जेलीफिश है? पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 53 91 ओके भाई साहब, गाइज निकलना पड़ेगा अभी क्या भाई, बाहर में जाओ, निकल लो भाई। बाय, क्या खतरनाक चीजें मिली भाई, जल्दी, टाइम नहीं है भाई, निकल। क्या कोई और टेम कर ले, उससे पहले वो मेरे को चाहिए। और ग्रिफिन को मैं ना ऐसे टेम नहीं कर सकता भाई, ना कि जो ना हवा में उड़ नहीं पाएगी, ठीक है। पानी के नीचे जाना मेरे को, रेडवुड साइड के पे मैंने देखा था भाई उस जेलीफिश को, जेलीफिश की लोकेशन बता अभी, जल्दी कर, क्रैश नहीं होना गेम भाई। 53 91 और नहीं 15 78 कहाँ पे, मतलब ये लोकेशन कहाँ पे भाई? लो 15 78 भेज क्या, कहाँ पे लोकेशन है? तो 15 पे तो मैं हूँ, तो 78 कहाँ पे है? 15 78 भाई, अच्छा उधर है कहीं पे क्या? नहीं यार ये तो यहीं पे है भाई, कहीं पे 15 78 रुक जाओ, लोकेशन कहाँ पे? 15 पे तो हूँ मैं, 78 कहाँ पे? 15 78 दी क्या पहली लोकेशन? ये किसकी लोकेशन थी? नहीं ये जेलीफिश की तो अलग लोकेशन है, ग्रिफिन की लोकेशन थी है 15 78 भाई, ठीक है। और जेलीफिश की बाद में लोकेशन है 53 91 ओके, तो 53 91 एकदम पानी के अंदर है भाई। चल जल्दी भाई, जेलीफिश को डैम करूंगा, बीकन ओवरलोड तेरे भाई का भाई, ठीक है। बीकन ओवरलोड तेरे भाई का भाई, चल फुल स्पीड चल, भगा भेज क्या, दौड़ू भगा। इससे पहले दूसरे लोगों की नजर पड़े भाई उसके ऊपर भाई, मेरे को कर लेना है भाई, ठीक है। 51 51 जल्दी जेलीफिश इसलिए कर रहा हूँ, जेलीफिश के बिना जो ना गाइस मैं उसको नॉकआउट नहीं कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा जेलीफिश के बिना नॉकआउट करना भाई, ठीक है भाई। 91 पे उड़ रहा हूँ मैं, 91 पे उड़ रहा हूँ, चल जल्दी 51 51 पे पहुंचना मेरे को, 51 पे पहुंचना है, जल्दी कमान। 40 भी पहुंच गया, 50, चल लो ग्रिफिन कमान, फुल डाइव बॉम्ब मार, चल 50 91 इस तरफ 91, हाँ क्या है लोकेशन, क्या है? 53 91, हाँ थोड़ा और आगे। कमॉन बेटा जी, 53 91 ओके ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ कहीं पे जो ना गाइस मेरे को जेलीफिश मिल जाएगी, वो प्राइम वाली, प्राइम जेलीफिश 600 लेवल बोले तो भाई एकदम फुल दूँ तब आए ना मेरे बच्ची। ग्रिफिन इधर आ, अनाकोंडा बाहर निकल जल्दी, बड़ा टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी बैठ जा, जी चमड़ी के अंदर नहीं जाना है भाई, इधर मार। तो भाई चमड़े भाई, अनाकोंडा तू चमड़े, सच में भाई तू चमड़े, में तेरे मजाक नहीं कर रहा भाई, जल्दी। ओके, इसको डोज दे देना, दे दूंगा क्या डोज, मेरे को बताने भाई, डोज दिया अभी नहीं दिया। हाँ नाइस वन, इसको नॉकआउट कर लेना किसी भी कीमत पे, हाँ किसी भी कीमत पे, ये अपन के पास चाहिए भाई किसी भी कीमत पे, कमॉन भाई, ये मेरे को मंगती। हाँ भाई तू दूसरों को नॉकआउट कर ले, कोई टेंशन वाली बात है, लेकिन तू सिर्फ मेरी है भाई, तू सिर्फ मेरी है। जल्दी, नाइस, क्रायो भाई एकदम फुल स्पीड में भाई, अभी जल्दी करो, जल्दी तैर जा, तैरना नहीं आता क्या तेरे को भाई इसके आग? चल लेट्स गो,
मिड किधर है प्राइम वाला? हाँ ये रहा प्राइम वाला में। हाँ जी चल 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 चल, इसको भाई क्रैव कर ले। नहीं नहीं इसको लेवल अप करना पड़ेगा फटाक से भाई। इसके हेल्थ में पॉइंट डाल देता हूँ और उसके बाद भाई इसके डैमेज में थोड़े से पॉइंट डाल दूंगा, ज़्यादा नहीं डालने भाई ठीक है। बाकी इसको भाई हीलिंग पोशन खिलाने में मेरे को। हॉट पोशन कहाँ पे भाई? हाँ ये रहा भाई ठीक है। जल्दी 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 इसकी भाई हेल्थ इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई ओवरलोड बेस के बैड बीट बचा सकता है ना इसकी। ठीक है चल चल डन 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 डन। डैमेज में थोड़े से पॉइंट डाल दे एक्स्ट्रा, थोड़े से हेल्थ में डाल देता हूँ। ऑलराइट ऑलराइट, ताकि मर भी ना जाए भाई ठीक है। चलो भाई बोले जिलीफी जिधर आ जा, जिलीफी को भाई एक मिनट रुक जाओ, जिलीफी को डायरेक्ट राइड कर सकता हूँ मैं, आई डोंट नो मैंने चेकआउट नहीं करा ठीक है। वेट अ मिनट, रुको भाई घर पे जाने दो, घर पे जाने दो भाई। आज तो ओवरलोड को टेम करके रहेगा तेरा भाई, आज तो बीकन ओवरलोड ग्रिफिन भाई हो गया टेम समझ लो भाई। और दो दो है भाई, दोनों की दोनों मेरे को ही चाहिए। चिक चिक चलो 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 भाई। जेली 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 फिश निकल बाहर। कैन आई राइड यू? नहीं 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 नहीं, माना 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 बेटा, माना बेटा माना बेटा, टाइम नहीं है, माना बेटा जल्दी आ इधर, माना बेटा इधर आ, कम ऑन बाहर निकल, ओए कम ऑन। सैडल दे दे, सैडल दे दे। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर यूर सैडल, सैडल इज द क्राय। जा ये क्या लगा रखा है मैंने भाई, इसके ये क्या लगा रखा है भाई, इसको पिकअप कर, पिकअप कर, पिकअप कर। ओके जेली फिश कम हियर, ये सैडल पहन लो चुपचाप ठीक है। बाकी और कुछ नाटक नहीं करना ठीक है। और हाँ जी इधर आ जाइए, जेलीफिश आ गई। ओके जेलीफिश आ चुकी है अपने पास, ये जेलीफिश है। हाँ जेलीफिश है, बाकी भाई अपना रेड ग्रिफिन ये वाला है ठीक है। वापस एक बार भाई लोकेशन देख लेता हूँ भाई, अगर किसी ने टेम करा होगा ना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा भाई। कौन ग्रिफिन 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 कहाँ पे चले गए भाई ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन सा वाला देखा था मैंने? बीकन 15 1578 स्वाहा क्या खत्म क्या, किधर गए भाई? ठीक है फिर मेरे को कुछ ओवरलॉड थे ना गाइज, ओवरलॉड एक मिनट रुक जाओ। दोनों कैसे टेम कर सकते बेस क्या क्लोंडे लोग, दोनों कर ले टेम, क्या टीम कर भाई किसने करा टीम भाई? एक मिनट मैं चेकआउट करके आता हूँ क्या एक्चुअल में सच में ग्रिफिन स्पॉन हुए थे कि नहीं गाइज। यस हमको मिले थे बीकन ओवरलोड वाले दो ग्रिफिन जो है ना वो टोटल यहाँ पे स्पॉन हुए थे ठीक है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा था ठीक है। मैं भाई अभी रिकॉर्डिंग चेक करके आया हूँ इसके लिए भाई ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग चेक करके आया हूँ एंड क्या बोलूँ भाई, दोनों के दोनों या तो किसी ने टेम कर लिए। कितना गाइस फास्ट अपन ने काम करा बताना, कितना फास्ट काम करा, फुल स्पीड में करा के नहीं बताओ, ये बताओ एकदम फुल स्पीड में तुम्हारे भाई ने काम करा के नहीं। जाके जेलीफिश टेम करके लाया, सब कुछ टेम करके लाया, एट द एंड क्या मिला अपन को? बाबा जी का टुल्लू भाई यार, एक पावरफुल डायनो मिला था पिछले एपिसोड में मैंने भाई। वाओ 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 मिराकल ब्रोंटो, लकी की बल चाहिए भाई, हमने अपने पास नहीं है, ये क्या चीज है भाई मिराकल ब्रोंटो, वक्त भेज क्या, ये क्या चीज है भाई मिराकल ब्रोंटो ब्रोंटो भाई, कौन सा मिराकल हो गया भाई यहाँ पे? इसके लिए लकी की बल चाहिए जो कि अपने पास है नहीं भाई। लकी की बल छोड़ो, मैंने एक भी की बल नहीं बनाया गया वो वाले मॉड का, ओमेगा वाला भाई, ओमेगा में काफी ज्यादा कुलकुल पाइप। ओ वाओ इन्फर्नल एस्ट्रो, रुक जाओ रुक जाओ गाइस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इन्फर्नल भाई ये इसको टेम करेंगे, एस्ट्रो एस्ट्रो इन्फर्नल एस्ट्रो को टेम करेंगे गाइस, रुकना गाइस रुकना रुकना एस्ट्रो, ये भी नहीं अपने नसीब में होगी भाई मेरे को लग रहा है गाइस ठीक है। रुक जाओ एस्ट्रो नहीं मामी रे, क्या बताओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये किसका था गैम्बलर? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये गैम्बलर आया क्या, ट्राइब ऑफ गैम्बलर? वेट अ मिनट भाई, ये गैम्बलर को पहले भाई रुक जाओ सुना लेता हूँ भाई, रुक जाओ इसको बता देता हूँ भाई आवाज़ आ रही है, एक गैम्बलर का है ना, रुक जाना। हेलो गैम्बलर तुमको आवाज़ आ रही है?
A few moments later. तो गाइस बातें जाते हो चुकी है भाई, इनको हमने भाई थोड़ा सा वार्निंग दे दी कि वापस से ऐसे करना नहीं। इसका बोल रहा था कि इसने नहीं करा, इसके ट्राइब मेट ने करा है, तो चलो हमने बात मान ली। बाकी मैंने समझा दिया ऐसी चीजें नहीं करना, बॉस फाइट विस फाइट कहीं पे ट्रिब्यूट भाई किसी के बेस के सामने लगाना नहीं, वो समझा दिया है। बाकी गाइस मैंने साथ में उसको ये भी पूछा कि यहाँ पे जो है ना ये जो जो एस्ट्रो स्तुतस है वो कहाँ से मिला, तो उसने बोला कि उसने एक भाई ब्रूड मदर मारी थी गाइस, और उस ब्रूड मदर को मारने के बाद उसको ये चीज मिली। तो समझ रहे हो ना गाइस क्या करना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मतलब तुम्हारा भाई क्या करने वाला अगले एपिसोड में। हे तो बिना गाइस कुछ भी बोलो, इन्फर्नल एस्ट्रो त्रुत्र जो भी नाम है इसका, दिखने में काफी ज्यादा कूल है। और गाइस अगर बॉस फाइट करने से वो हमको मिल रहा है तो तुम्हारा भाई बॉस फाइट करेगा, बॉस की बैंड बजाएगा, ठीक है। और वो भी अपन भाई अभी जिराफ से नहीं करेंगे, अपन जो ना गाइस जाके पेलमपाल देंगे उससे भाई, ठीक है। डायरेक्टली क्या बोलते हो अपना पैरा पैरा सा, रुक जाओ पहले मेरे को देखने दो, ब्रूड मदर बनती कैसे भाई, ठीक है। मॉड में जाना मेरे को, एंशिएंट में तो नहीं होगा ना भाई, ठीक है। इन्फर्नल में, इन्फर्नल एंड बॉस में तो हाँ, ये पैरासिमेंट ब्रूड मदर ये वाली अच्छा मॉर्निंग रेजिमेंट तो अच्छे बेच के किसके लिए, तो अच्छा मॉर्निंग रेजिमेंट तेरे भाई के पास एक ही पड़ा हुआ है, मॉर्निंग रेजिमेंट कहाँ से मिलेगी मेरे को बता नहीं यार, मॉर्निंग रेजिमेंट पता नहीं कहाँ से मिलेगा। आर्मर डार्कस्टार को पिलम पाल दे क्या, डार्कस्टार को बुलाया था क्या मैंने, नहीं टेरानोवा को बुलाया था ना भाई, टेरानोवा को बुलाया था शायद ना अभी, हाँ भाई डार्कस्टार को पिलम पाल दे सकता हूँ, देखता हूँ चलो देखता हूँ। मेरे को थोड़ी सी मॉर्निंग रेजिमेंट जो है ना उनकी जरूरत पड़ेगी, और मेरे को शायद कुछ बॉसेज को मारना पड़ेगा तभी जाके मेरे को मॉर्निंग रेजिमेंट मिलेगा। और भाई बॉसेज को मैं जो ना घंटों तक मारते रहना नहीं चाहता हूँ, सो देखता हूँ मैं गाइस किसी खतरनाक है ओपी से डायनो को जो ना गाइस टेम करूंगा अभी, जो खतरनाक है ओपी से दो ग्रिफिन्स थे वो तो चले गए, अभी देख देगा इस क्या होता है भाई, ठीक है देखते क्या होता है। चलो अगले एपिसोड में, फिलहाल के लिए आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है वो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलते जाएगा तब से अगले एपिसोड में। बाकी अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी जेली जो मैंने टेम करी है ना वो काफी ज्यादा ओपी वाली जेली है भाई, ठीक है। जो जेली फिश अपन ने ये टेम करी है ना, ये जेली फिश का जो यूज है ना गाइस वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, और ये कितनी ज्यादा खतरनाक है ना गाइस वो भी दिखाऊंगा आपको मैं भाई, ठीक है। ये काफी ओपी वाली जेली फिश है और ये किसी को भी नॉकआउट कर सकते, बात याद रखना मेरी, किसी को भी नॉकआउट कर सकती है, फिर वो कौन से भी टायर का बॉस हो, डायनो हो, कोई भी हो भाई, ठीक है, सबको पेलमपाल दे सकती है जेलीफिश। बाकी इसके जलवे मैं आपको आने वाले एपिसोड में जरूर दिखाऊंगा। तूफान आ चुका है, घर के अंदर चला जाता है, उड़ जाऊंगा यार तूफान के साथ। चलो भाई लोग तो अभी फिलहाल के लिए आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है ये भी खत्म करते हैं, मिलते सीधा का तब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर आज का एपिसोड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी मौका हमने गवा दिया है, मौका ग्रिफिन को टेम करने का वापस से गवा दिया, दोनों ग्रिफिन हम प्रिपरेशन करते रहे, लोंडे भाई टेम करके निकल लिए भाई, ठीक है। अभी कोई ग्रिफिन नहीं भाई नहीं आया, अभी तक स्पॉन नहीं हुआ, जब भी स्पॉन होगा देख लेंगे कैसे अपन टेम करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो फिर मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तूफान आ चुका है, हर तरफ अंधेरा भाई छा चुका है, देखते हैं कैसे तूफान हटता कब है, उसके बाद जो है ना कैसे अपन आगे का काम चालू कर देंगे गाइस, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। जाते जाते बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। It's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.